हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर रिएक्शन वीडियो। और सबसे पहले जो चैनल पे आ गया और इस वीडियो को देख रहा है वो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों के डिमांडेड सॉन्ग्स पे रिएक्शन आ रहा है। और भाई भोजपुरी जो जनता है ना, उन्होंने इतना प्यार दिखाया अपने गानों पे, जितने भी गानों पे मैंने रिएक्शन दिया है सब पे सब्सक्राइब भी किया है, लिखा भी है, और साथ में कितने सारे कॉमेंट्स आप लोगों ने किए हैं भर भर के। भाई मतलब मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि हमारे यूजुअली व्लॉग पर आप लोग इतने कॉमेंट नहीं करते हो, तो भोजपुरी पब्लिक ने तो अपना प्यार दिखाया है। हालांकि आसपास वाले लोग जो देखते थे यूजुअली वो नहीं देख रहे हैं, बट भोजपुरी लव दिख चुका है बढ़िया तरीके से। अब जो नया गाना है जिसमें रिएक्शन लेके आई हूँ पवन सिंह का, कमरिया पतरे 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 पतरे, मतलब पतले पतले होगा आई थिंक, मुझे जहाँ तक मतलब ता पता नहीं, जो भी होगा पहले सुनते हैं गाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। और फिर से बोल रही हूँ, जितने भी लोग भोजपुरी गाने सुनते हैं या बिहार से या किसी भी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जिनको भोजपुरी सॉन्ग्स पसंद है, कमेंट करना नेक्स्ट रिएक्शन किस पे लाना, ये भी आप लोग मेंशन कर सकते हो। और हाँ, मैंने इस वीडियो पे मेरी इसी भोजपुरी एक वीडियो थी जिस पे किसी ने कमेंट किया था, जिसका रिप्लाई मैंने एक अच्छे खासे ब्लॉग के थ्रू दिया है, तो आप लोग उसको जाके भी देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको ज़रूर देखना आप लोग जाके। इस वीडियो पर किसी ने कॉमेंट किया था कि क्या था कॉमेंट, भूल गए नू क्या था, बेकारी, दिस इज व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट कॉल्ड बेकारी लुक्स लाइक, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मैं, मेरे पास कोई काम नहीं है और तो मैं बैठ के रिएक्शन दे रही हूँ भोजपुरी सॉन्ग पे, उस बंदे का मतलब ये था कहने का। तो उसका मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया है, और जो लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी, व्लॉग्स भी देखते हैं हमारे, उनको पता है ऑलरेडी कि मैं क्या करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ या मैं जो भी करती हूँ अपनी लाइफ में, तो ये मेरा एक अलग से मैं काम है जो मैं अपनी जॉब के साथ और अपने बाकी और सारे वर्क के साथ मैं मैनेज कर रही हूँ। सो बोलने से पहले यार थोड़ा सा सोच लिया करो, देख लिया करो। तो भोजपुरी जनता, जिनके गाने पे मैंने रिएक्शन दिया था कहने से, जाके उस कमेंट में उस बंदे को लिख दो जाके सब कुछ बदले में। तो अभी गाना सुनते हैं भाई, कमरिया पतरी पतरी, लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग। ये तो मुझे समझ में आ गया, तीन चार गाने पर रिएक्शन देखे, थोड़ी थोड़ी भोजपुरी मुझे भी समझ आने लगी। सही गेस किया था मैंने, पतली पतरे पतले मतलब पतली कमरिया। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, उमर तोर सुत
गाना हो चुका है ख़त्म. कहीं कहीं पे समझ में आ रहा था, कहीं कहीं पे नहीं समझ में आ रहा था. और इस समझ में आने और ना आने के बीच में भी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ. किसी का कमेंट था, लिखा हुआ था कि पहले आप भोजपुरी सीखो अच्छे से 1-2 महीने, उसके बाद आप रिएक्ट करना. तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि एज अ यूट्यूबर, अगर आप मतलब यूट्यूब पर काम कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ जिनको हिंदी आती है वही देख रहे होंगे, या जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है वही देख रहे होंगे, या जिनको भोजपुरी आती है वही देख रहे होंगे. तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता. और इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं यार, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं तमिल भी सीख लूँ, मलयालम भी सीख लूँ, भोजपुरी सीख लूँ, उर्दू सीख लूँ, हिंदी, इंग्लिश. तो ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है. नॉट अबाउट मी, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको सारी लैंग्वेजेज आती हूँ, फ्रेंच, जर्मन, बहुत सारी लैंग्वेज हैं. तो ये पॉसिबल नहीं होता है. और गाने पर रिएक्शन देने का सिर्फ पर्पज़ यही होता है कि और कि मतलब यार, जो लोग बोल रहे हैं हमसे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमेंट में कि प्लीज़ आप रिएक्शन लेके आओ, ठीक है. तो इसीलिए हम लोग रिएक्शन लाते हैं. गाने पे हमेशा कॉपीराइट होता है, तो कोई रेवेन्यू से जनरेट नहीं होता है. जस्ट फॉर दी सेक ऑफ पीपल की सब लोग बोलते हैं यार कि रिएक्शन लेकर आओ, इसलिए हम लोग रिएक्शन लाते हैं. उसमें हमें ऐसा कुछ कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है. हाँ, सब्सक्राइबर आते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो सब्सक्राइबर भी सिर्फ वही गाना देखते हैं जो उनको पसंद होता है. वरना ब्लॉग्स पे भी व्यूज़, जैसे गाने पे गए थे मेरे 18-20 हज़ार जिस पे मैंने दिया था, लेकिन मेरे ब्लॉग पे 1000 व्यूज़ गए हैं. तो वो वही देखते हैं जो उनको पसंद होता है. तो इट इज़ नॉट अबाउट कि रिएक्शन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि भाई उससे रेवेन्यू मिल रहा है. सब्सक्राइबर भी आते हैं, बट वो उसी को देखना प्रेफर करते हैं जो उनको पसंद है. अब भोजपुरी गाने पे मैं रिएक्शन देखती हूँ, तो वो लोग भोजपुरी गाना ही सुनते हैं ज़्यादातर. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ब्लॉग डाल दिया उठा के तो वो उसे भी देख रहे हैं, उस पर मेरे 20-25 हज़ार व्यूज़ चले गए. जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन थोड़ी बहुत कोशिश करूँगी सीखने की. तो पहले आप वो पॉसिबल करके दिखाओ, देन मैं ट्राई करूँगी. तो गाना बस रिएक्शन आप लोग बताना कमेंट करिए कैसा लगा आपको. नया गाना अभी 3-4 दिन पहले ही आया है, तो काफ़ी सारे लोगों ने लिखा हुआ था कमेंट में रिएक्ट करने के लिए, इसलिए मैंने रिएक्ट किया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना. तब तक के लिए बाय गाइज. और जो जो चाहता है कि भोजपुरी थोड़ी बहुत सीखूँ, तो करा दो 1 लाख सब्सक्राइबर 2 दिन के अंदर. थोड़ी बहुत तो सीख लूँगी. बाय गाइज, टेक केयर, बाय.